तो जिस वीडियो का आपको इंतजार था वो वीडियो आ चुकी है। हम आ गए हैं लेके सारा स्कूप। तो राम निकला है, देव मानुष निकला। क्या अल्फेज ने गौरव की तरह अपना जेंडर चेंज कर लिया है? इज ही जेना नाउ? क्या ये सच है और या फिर है एक बस एक रूमर? जानते हैं आज की इस वीडियो में। जो लोग नहीं जानते उन्हें थोड़ा बैकग्राउंड दे देते हैं। अल्फेज खैजा के स्प्लिट्सविला सीजन 12 के कंटेस्टेंट थे। अल्फेज शो के एक बहुत ही ब्रैटी कंटेस्टेंट थे। अल्फेज का फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था और वो शो में दिखता भी था। और अल्फेज में एरोगेंस भी बहुत था। शो में अल्फेज का कनेक्शन आराधना थी। दोनों शो के एंड तक साथ रहे और दोनों का कनेक्शन भी बहुत स्ट्रांग था। शो के बाद भी बहुत टाइम तक दोनों साथ रहे और दोनों ने साथ में काम भी किया एक दो वेब शोज में। लेकिन इवेंचुअली बोथ ऑफ देम ड्रिफ्टेड अपार्ट। जहां आराधना ने डिप्लोमेटिक आंसर दिया कि वो अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं, वहीं अल्फेज ने कहा कि दोनों अब टॉकिंग टर्म्स पे भी नहीं रहे। यहीं दोनों के बारे में बातें होनी ऑलमोस्ट बंद हो गई थी। लेकिन कुछ टाइम पहले स्प्लिट्सविला की एक्स कंटेस्टेंट भव्या ने अपने यूट्यूब चैनल पे बताया कि अल्फेज अब जैना के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने और कुछ रिवील नहीं किया, इसलिए कि अल्फेज खुद बाहर आएंगे। लेकिन फैंस के मन में तभी से ये सवाल है कि अल्फेज अब कहाँ है। एक फोटो सामने आई है ऑफ अल्फेज एज जैना। रूमर्स की माने तो अल्फेज ने भी गौरव की तरह जेंडर चेंज सर्जरी कराई है और अब उनका नाम जैना है। इस रूमर को कंफर्म तो सिर्फ अल्फेज ही कर सकते हैं, लेकिन सारा सोर्स इसी तरह पॉइंट कर रहा है कि अल्फेज अब जैना बन चुके हैं। अगर ऐसा सच में है तो हम तो यही कहेंगे कि हमारा पूरा सपोर्ट अल्फेज यानी जैना के साथ है। ये स्टेप लेना एक बहुत ही बड़ी बात है, जानते हुए कि सब आपको जज करेंगे। अपने आप को एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ी बात है और हम इसी में अल्फेज को पूरा सपोर्ट करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है अल्फेज के बारे में हमें कॉमेंट करके जरूर से बताए। वी होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। इफ यस तो वीडियो को लाइक करना ना भूले एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर सच मोर वीडियोज़।